मेरा नाम खुर्रम सईद खान है। एज अ प्रोफेशन मैं बिजनेसमैन हूँ और एज अ पैशनेट ट्रैवलर हूँ। और जो क्रॉस रूट मोटर बाइक एंड ट्रैवल क्लब ऑफ पाकिस्तान है, जो इस पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रैवलिंग क्लब है, इसका मैं सिंध का प्रेसिडेंट हूँ। और हम इस वक्त जो है, हमारा फोकस जो है वो पाकिस्तान की ब्रांडिंग, पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज, पूरी दुनिया को दिखाना कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, यहाँ का कल्चर कितना अच्छा है, तो वो पूरी दुनिया तक लेके जाना। और जब भी पॉसिबल है कि जब यहाँ से लोग वहाँ जाएं, पूरी दुनिया से लोग बाइक पे, गाड़ियों पे, कारवांस पे पाकिस्तान आते हैं, मगर यहाँ से वहाँ जाने वाले लोग जो हैं वो गिनती में, शायद लोगों की गिनती में भी नहीं आते। तो इस हवाले से हमने 4 साल से इसके ऊपर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह 6 एक इंटरनेशनल बाइक कार और बाइक जो है वो टूर करवा चुके हैं, जिसमें हमारा सबसे सफ़े अव्वल में सफ़र नूर था, जो कि उम्रे का सफ़र था, जिसमें तकरीबन 22 लोग हम यहाँ से बाइक पे गए थे, हमारा ग्रुप गया था। और ये कुछ तकरीबन 1.5 महीने से 2 महीने का सफ़र था, ये पूरा करके आया। फिर ईरान का हमारा एक सफ़र रहा बाइक्स पे। फिर हमारा एक हमारे जो हेड थे मुकर्रम करीम साहब, उनका एक सफ़र था, सोलो ट्रैवल था, वो तुर्की का था। फिर 6 महीने पहले जो है हम लोग एक फैमिली ट्रिप हम लोगों ने किया था कि यहाँ से पाकिस्तान से फैमिलीज जाएँ, और ईरान का हमारा वो सफ़र था। और समझ लें कि कराची से लेकर और कैस्पियन सी तक हम लोगों ने गाड़ियाँ चलाईं, जिसमें हमारा जो सफ़र था वो 8,700 किलोमीटर पर मुहित था, 6 गाड़ियाँ थीं और तकरीबन हम 22 लोग थे। और अभी इसी सिलसिले की कड़ी ये थी हमारी कि जो वर्ल्ड टूरिज्म डे आ रहा है 27 सितंबर को, वो हम बाई रोड करें और ये फ्रांस में पेरिस में मनाएँ। ये तकरीबन हमारा 45 लोगों का ग्रुप है, जिसमें तकरीबन कोई 17 से 18 बाइक्स हैं और 6 से 7 गाड़ियाँ हैं। तो अब इंशाल्लाह हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमारे वीज़े और ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर हम यहाँ से निकलें और ये फ्रांस का टूर करें, जो हिस्ट्री में पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा। 26 अगस्त से लाहौर से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, और इसका जो इख्तिताम होगा वो पेरिस में होगा। और हमारी कोशिश ये है कि हम 24 या 25 तारीख तक पेरिस पहुँच जाएँ। इसमें जो पहला हमारा नेबरिंग कंट्री होगा वो ईरान होगा, जो हमें होस्ट करेगा। उसके बाद टर्की है, टर्की से हम ग्रीक जाएँगे, ग्रीक से इटली है, ठीक है ना, इटली से आपका जर्मनी है, और उसके बाद फिर आगे जाके हम फ्रांस को टच करेंगे। उसके बाद वापसी पे हमारा रूट डिफरेंट होगा, जिसमें हम स्विट्ज़रलैंड और आपका ऑस्ट्रिया और बल्गारिया, ये कंट्रीज़ करके हम वापसी की तरफ आएंगे। तो अराउंड ये तकरीबन 60 डेज़ का हमारा ट्रैवल होगा, जो ज़ाहिर बात है इंतहाई सख्त होगा, क्योंकि तकरीबन 22,000 से 23,000 किलोमीटर की ये ट्रैवलिंग है, जो बहुत मुश्किल अभी नज़र आ रही है। हमारा जो सफ़र है ये तकरीबन 12 कंट्रीज़ से होकर निकलेगा, तो 12 कंट्रीज में गली गली, कूचे कूचे हमारे झंडे, हमारी गाड़ियाँ, हमारे लोग जाएंगे और लोकल लोगों से इंट्रैक्ट होंगे, तो उनको पता चलेगा कि पाकिस्तानी कैसे होते हैं, उनका कल्चर क्या होता है, उनके इंट्रैक्शन उनसे अच्छे होंगे, तो एक बहुत अच्छा इमेज जो है पाकिस्तान का वहाँ जाएगा। और फिर हम लोगों को इन्वाइट भी करेंगे कि आप पाकिस्तान आइए, ट्रैवलिंग करें, ताकि हमारे यहाँ भी टूरिज़म जो है वो बढ़े।